वेलकम टू प्रताप क्लासेस दोस्तों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल हमने विगत वर्षों के प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन की जो है हमने सीरीज चला रखी है। तो 2023 तीन से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं। भारत व विश्व व भारत भूगोल के पार्ट नंबर 2 आ चुका है। एग्जाम से पहले आप इनको एक बार जरूर पढ़ें। देखिए हम बात करते हैं, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन 2011 से 2023 तक लेना चाहते हैं तो ₹100 आपकी इसकी फीस होगी मात्र। और आपको ये टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिकों से संबंधित सारे टेस्ट सीरीज जो 2011 से लेकर 2023 तक पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, काली मंथन किस द्वीप का अंग है? वह है काली मंथन जो द्वीप है वो किस का अंग, किस द्वीप का अंग है? होसु द्वीप का, बोर्निया द्वीप का, कयूबा द्वीप का या मेडागास्कर या मालागासी द्वीप का? ये है बोर्निया द्वीप का, ठीक है, बोर्निया द्वीप का अंग है ये काली मंथन जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कब? 2010 के अंदर। देखिए हम बात के बोर्निया द्वीप की बात करें तो बोर्निया द्वीप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर के मध्य स्थित इंडोनेशिया के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है बोर्निया द्वीप से संबंधित, ठीक है। और मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई देशों में बंटा हुआ है, कौन कौन से? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई देशों के अंदर ये बोर्निया द्वीप बंटा हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आरएस 2008 में पूछा गया था, यह है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर क्या है एटलस पर्वत पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एटलस पर्वत बात करें अफ्रीका देशों के अंदर बात करें तो मोरक्को, मोरक्को उसके बाद अल्जीरिया और कौन सा है, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया, इन देशों में क्या है ये जो है अफ्रीका महाद्वीप क्या हुआ है फैला हुआ है, ये एटलस पर्वत क्या है श्रेणी फैली हुई है, ये आपको याद रखने हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसकी तुवाकाल, कौन सी है? तुवाकल, तुवाकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना, जो कि 4165 मीटर है, ठीक है। अन्य पर्वत की बात करें तो अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो है एक, तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर है, अफ्रीका के अंदर तंजानिया के अंदर है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया के अंदर है, ये आपको याद रखना है। एक है माउंट केन्या, कौन सा है? माउंट केन्या, माउंट केन्या कहाँ पे है? यह है अफ्रीका के अंदर दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। माउंट सिनई ये भी कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है, माउंट सिनई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमेलित कीजिए, आरएस 2015 में पूछा गया है, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हार्मुज जल संधि, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा किस संधि के मध्य बनती है, ठीक है। देखिए हम बात करें जिब्राल्टर जल संधि, ये बनती है अफ्रीका और यूरोप के मध्य, अफ्रीका और यूरोप के मध्य, तो इसका जो जिब्राल्टर संधि याद रखना आपको अफ्रीका और यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि की, मलक्का जल संधि की बात करें तो ये बनती है अपने इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, बेरिंग जल संधि की बात करें तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में, और हार्मुज जल संधि की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आरएस 2021 में पूछा गया है, झील व देश। देखिए बालखस या बालकास झील, टिटिकाका झील, इरी झील, बेकाल झील, ये देश दिए हुए हैं कि किस देश में ये झीलें उपस्थित है, ठीक है। हम बात करें बेकाल झील की तो बेकाल झील है यूक्रेन के अंदर, ये याद रखना है क्योंकि अब यूक्रेन के हाल ही में युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन से संबंधित आपको जीके से संबंधित पूछा जा सकता है, तो बेकाल झील कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर। अरल सागर पूछा जाता है, अरल सागर में है, ठीक है। और बात करें तो हमें बताना है इसमें असुमेलित है, क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो बेकाल झील आपको पता है यूक्रेन के अंदर नहीं है। बालखस झील कजाकिस्तान के अंदर है, टिटिकाका झील बोलीविया व पेरू के अंदर है, इरी झील यूएसए या कनाडा के बीच में है, ठीक है।
अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी। आगे बात करते हैं कि सीर और अम्मू नदियां गिरती है, सीर व अम्मू नदियां गिरती है, तो ये अरल सागर के अंदर गिरती है। याद रखना आपको, सीर व अम्मू नदियां कहां पे गिरती है, तो अरल सागर के अंदर गिरती है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया था, ठीक है, इसे परिवहन के लिए 1869 में खोला गया, इससे लंदन भारतीय पश्चिमी तट की दूरी 6100 मील कम हो गई है, स्वेज नहर पश्चिमी यूरोप को ऑस्ट्रेलियन मार्ग से सीधा जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों का मानसून तथा एशियाई देशों से व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, एक तो यह है स्वेज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया था, ये याद रखना आपको, सही है कथन। दो नंबर भी सही है कि इसे परिवहन के लिए 1869 में खोला गया था, यह भी सही है। और बात करें तो इसे लंदन भारतीय पश्चिमी तट की दूरी 6100 मील कम हो गई थी, ये भी सही है, और ये सारे कथन इसमें क्या है, सही है, ये आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण आपको पता है कि 1859 से लेकर 1869 तक हुआ था, ठीक है, पूरी इस स्वेज नहर का, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी सारे कथन सही है। अगला देखिए, प्रसिद्ध अंगुली योनुमा फिंगर झील किस क्षेत्र, झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये देखो किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है, फिंगर लॉक क्षेत्र क्या है, अमेरिका के अंदर है, ये फिंगर लॉक क्षेत्र कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में नहर दी हुई है और ये जोड़ती है, जैसे कील नहर किन सागर को जोड़ती है, सू नहर किन को जोड़ती है, पनामा नहर किन को जोड़ती है, और स्वेज नहर किन को जोड़ती है। अब यहीं से दोबारा क्वेश्चन उठेगा, या तो वो सीधा पनामा का पूछ लेगा या स्वेज का पूछ लेगा, तो यहीं से बार बार क्वेश्चन आएंगे और वापिस रिपीट होने वाले। देखिए, कील नहर की बात करें तो कील नहर किसको जोड़ती है, ये एल्ब, जरंदसमुख, एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है। सू नहर की बात करें तो ये जोड़ती है सुपेरिया झील व हरून झील को जोड़ती है। पनामा की बात करें तो पनामा नहर जोड़ती है एटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को, और स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, 2003 में पूछा गया था, विश्व में केले का उत्पादक था भारत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी भी भारत है केले का उत्पादन में, दूसरे स्थान पर है कौन सा, चीन, और दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा अपना, फिलीपींस, फिलीपींस देश जो है दूसरा उत्पादक देश हो जाएगा। और भारत में कहां पे होता है सर्वाधिक, फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु है, ये भी आपको याद रखना है, ये जानकारी सारी न्यू अपडेट है। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर है, उसके बाद गुजरात का आ जाता है और महाराष्ट्र का। भारत में केले का उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। देखिए अगला है कि मोका कॉफी क्या है, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है, 2010 में पूछा गया था, इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना, यमन। ये प्रश्न किस प्रकार है, आपका टॉपिक है स्पेशल कृषि के प्रकार, स्पेशल टॉपिक है कृषि के प्रकार या कृषि, ठीक है, विश्व के अंदर, तो वहां से क्वेश्चन ये आया है, कहां पे होता है, ये होता है यमन के अंदर, कहां पे, यमन में मोका कॉफी उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यानी कॉफी का जन्म जो है कहां से माना जाता है, यमन से माना जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है, आपसे पूछ ले, भारत का कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है, कॉफी उत्पादन में स्थान स्थान है कौन सा, पांचवा स्थान, ये आपको याद है, कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है, ठीक है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये दिए गए आ रहे 2021 में, डेट्राइट, गोर नाया सोरिया, अनसोन, योकोहामा। तो सारे के सारे जो है विश्व में औद्योगिक जो टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे भी। तो ये देखिए,
जो है ये गलत हो जाएगा इसमें, ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोरनाया सोरिया की बात करें तो ये अयस्कों में एक समृद्ध है, किसके लिए है, अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। और कुंज नेत्सक कोयला बेसिन का भी हिस्सा है, ये कौन सा, गोरनाया सोरिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए, और आरएस 2016 में पूछा गया था। सूची फर्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र और देश। देखिए हम बात करें, लंका सायर प्रदेश, रूअर प्रदेश, केहिन प्रदेश, दक्षिणी प्लेसिन प्रदेश किस देश से संबंधित है। लंका सायर प्रदेश की बात करें तो ये है कोयला, जहाज निर्माण और लोहा सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, ये है कहाँ पे, ये है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। रूहर प्रदेश की हम बात करें तो इसका तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, रूहर प्रदेश की बात करें तो ये है कोयला क्षेत्र के उत्पादन के लिए जर्मनी से है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, केहिन प्रदेश की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा जापान, और दक्षिणी अपलेसिन प्रदेश कहाँ पे हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम देखते हैं, देखिए पहले का दो, ठीक है पहले का दो, उसके बाद पहले का तीन, उसका दो, फिर दूसरे का दो हो जाएगा, और चार, फिर एक, यानी तीन दो चार एक। देख लेते हैं किसमें आंसर हमारा बनता है, ठीक है तीन दो चार एक, यानी सी इसका आंसर देगा। अगला देखिए, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश जो है क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्रांस का लोरेन प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कोयला लोहा इस्पात उद्योग का पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, औद्योगिक प्रदेश और देश। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी विश्व के औद्योगिक प्रदेश है, जिन देशों के अंदर जो है उद्योगी पाए जाते हैं, उनका एक बार अच्छी तरीके से रट्टा वेकेशन कर दीजिए, फ्री के नंबर है ये क्वेश्चन जो आते हैं, पर्वत पठार है इनका रट्टा मार दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, ये पर्वत इतनी लंबाई है, ये पर्वत यहाँ से गुजरता है, ये पर्वत इससे नहीं आता, सीधा का सीधा पूछा जाता है, कौन से देश से कौन सा पठार है पर्वत है, सीधा का सीधा आप देख रहे हो, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। रूर प्रदेश है, दक्षिणी न्यू फाउंड इंग्लैंड है, पो घाटी है, और कांटो मैदान है, ये सारे के सारे आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड क्या है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इटली नहीं है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के प्रदेश में, रूर प्रदेश जर्मनी है, पो घाटी इटली के अंदर है, और कांटो मैदान जापान के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे है, जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है ये है यूएसए के अंदर, वहां पे यूएसए के अंदर है, ये याद रखें। अगला देखिए, जिस खनिज के कारण चिल्ली प्रसिद्ध है वह है, आरए 2010 में पूछा गया था, चिल्ली याद रख लेना आप, दक्षिण अमेरिका के अंदर यहाँ पे एक देश है चिल्ली, बहुत बड़ा, एंडीज पर्वतमाला के जस्ट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता होगा खनिज, देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, क्या मिलता है यहाँ पे, नाइट्रेट प्रमुख स्थान रखता है यहाँ पे, ठीक है नाइट्रेट के उत्पादन, और चिल्ली वैसे तांबा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे याद रखना आपको, तांबा उत्पादन के लिए भी चिल्ली प्रसिद्ध है। तांबा की प्रमुख खाने यहाँ पे कौन कौन सी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एक याद रखना चुकवी का माता, ये याद रखना आपको, चुकवी का माता नामक तांबे की खान है यहाँ पे, ये प्रसिद्ध है, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन उठ सकता है आपकी बात। ठीक है, अगला देखिए, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, किसके खनन के लिए, बाकूस्तान, ठीक है ये है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, खनिज तेल के लिए बाकू जो है स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए बाकू क्या है, ये है अजरबैजान, आपने देश पढ़ा होगा, अजरबैजान की राजधानी है क्या है, बाकू, जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से संबंधित है। देखिए आरएस 2018 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड भारत में संरक्षित क्षेत्र और संख्या वर्ष 2018। ठीक है, अब हम बात करें इसकी सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 103। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 76। ठीक है, 2018 में पूछा इन्होंने,
की है ये। तो ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कितने थे? राष्ट्रीय पार्क थे उस टाइम 103, और सामुदायिक की बात करें तो 46 थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सामुदायिक थे 46, उसके बाद कंजर्वेशन रीजन थे 76, राष्ट्रीय पार्क 103 थे, और वन्य जीव अभयारण्य 544 थे। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 2020 की रिपोर्ट के बाद हम बात करें तो सामुदायिक जो रिजर्व है, सामुदायिक रिजर्व की हम बात करें 2020 की अपडेट की, ये पक्का कर लेना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2020 की रिपोर्ट की हम बात करें तो कितने हो गए हैं? 163 हो गए हैं। कितने हैं? 163 सामुदायिक सुरक्षित है, ये याद रखना, 2020 की अपडेट है। ठीक है, और हम बात करेंगे संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, तो अब ये कितने हो गए हैं? कंजर्वेशन रिजर्व पहले कितने थे? 46, अब हो गए हैं कितने 2020 में? 92, ये भी आपको याद रखना है, कितने हो गए हैं? 92। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क कितने हो गए हैं? ये भी पूछा, राष्ट्रीय पार्कों की संख्या अब 106, उस टाइम कितनी थी? 103, 106 संख्या हो गई है, और वन्य जीव अभयारण्य है 566, अब याद रख लेना भाई, ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है कि सामुदायिक रिजर्व कितने हैं। 2020 की बात है, आंकड़ा आया था 2020 में, तब थी इनकी संख्या, सामुदायिक रिजर्व की संख्या थी उस टाइम 163। ठीक है, दो नंबर पर आ जाता है कंजर्वेशन रीजनल रिजर्व, इनकी संख्या 92 हो गई है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पार्क, ये कितने थे? 103, अब कितने हो गए? 106। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य, अब कितने हो गई है? 566। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, और जो नवीनतम बना था देहिंग पटकई असम वाला, ये भी याद रखना है, और भी बन चुके हैं देही, ये 2020 तक की अपडेट है। ठीक है, अगला देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर था, तो इस आंसर से हमें क्या लेना है, मैंने नई अपडेट बता दी तो वही आपको याद रखना है, वैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नई डेट अपडेट जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करते जाओ कॉपी में, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अगला है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब मैं नई अपडेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तो 1971 में। ठीक है, अगला है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1936 के अंदर बना था, कब बना था? 1936 के अंदर। ये है कहाँ पे? ये है उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, पहले इसका नाम था दिल्ली नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? राम गंगा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना, राम गंगा नेशनल पार्क। अब आपसे हो सकता है कि एग्जाम में दे दिया जाए कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये दे दिया जाए राम गंगा नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना है थोड़ा, ये हो सकता है नहीं मिले आपको ऑप्शन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, कथन ए और कथन आर है, कोणधारी वन दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। कथन आर कहता है कि वार्षिक वर्षा 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीमीटर के बीच होती है, वह 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान समताप रेखा इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण 10 डिग्री सेल्सियस से होता है। इस कोणधारी वन की बात हो रही है, ठीक है, दोनों गोलार्धों की बात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और निम्न में से इसका सही कथन हमें बताना है। देखिए, इसका आंसर होगा कि शंकुधारी जो वन है, यहाँ पे इसने कहा है कि शंकुधारी वन, ठीक है, यहाँ पे कोणधारी या इन्हें शंकुधारी वन कहते हैं, ये तो सही है कि 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है कथन गलत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है, आर भी गलत है, दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक है, अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आरएस 2013 में पूछा गया था सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। राष्ट्रीय उद्यान में राज्य दिए गए हैं वन विहार, फूलों की घाटी, मन्नार और कांगेर। ठीक है, ये बताना है कौन कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, वन विहार की बात करें तो ये है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर, और पाई जाती है दूसरी मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, और कांगेर,
ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर और मन्नार तमिलनाडु के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए कौन सा एक प्रमुख कारण है, पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए, वो वनो उन्मूलन, यहाँ पे क्या है, वनो उन्मूलन है, सुलन नहीं है, वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पारिस्थिति एस के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो वनों की कटाई, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनों की कटाई क्या है, वनों की कटाई, ठीक है, असंतुलित के लिए कारक है। इसके बाद में है मरुस्थलीकरण, उसके बाद में है बाढ़ व अकाल, ठीक है, उसके बाद है वर्षा की विभिन्नता, वर्षा की विभिन्नता, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रमुख कारण कौन सा था, वनों उन्मूलन। अगला देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, ये किया गया था 1972 के अंदर, ये भी याद रखना है आपको, 1972 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक याद रखना है। एक पूछा जाता है कि अनुसूची पांच के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि अभयारण्य किया हुआ है, अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा, काजीरंगा, गिर अभयारण्य, रणथंभौर, कार्बेट अभयारण्य, तो काजीरंगा अभयारण्य, ये आपको याद रखना है। एक काजीरंगा क्या है कि एक सींग वाले गेंडे का घर कहा जाता है, एक सींग वाला गेंडा के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद, ठीक है। और इसे 2006 में क्या है, 2006 में बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी यह शामिल है। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, चट्टान पर उगने वाले, तो इन्हें कहते हैं सेलोद्भिद, क्या कहते हैं, सेलोद्भिद कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हम बात करें अधिपादपीय, अधिपादपीय क्या होता है, ऐसे पौधे जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, यानी परजीवी नहीं होते, ये याद रखना आपको, जैसे वृक्षों के तने, शाखाएं, दरार, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं। एक होता है लवणोद्भिद, ये क्या होता है, ऐसे पौधे जो खारे पानी में उगते हैं, ये याद रखना, जैसे भारत की तटीय सीमा के पास पहले जैसे मैग्रोव वनस्पति, आप याद रखना है मैग्रोव वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें पूछा जाए, इसमें होता है ये लवणोद्भिद के अंदर, ठीक है, सुंदरबन के जंगल इसके अंदर पाए जाते हैं। मरुद्भिद सीमित जल वाली शुष्क जैसे उलई मिट्टी हो गई, या हम कहते हैं पथरीली भूमि पर उगने वाला पौधा, ठीक है, जैसे नागफनी और बबुल, नागफनी और बबुल कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके अंदर पाए, मरुद्भिद के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लवणोद्भिद के अंदर कौन सा आ जाएगा, वनस्पति मैग्रोव वन आ जाएगी, ठीक है। भारत में जैव विविधता के तप स्थल हॉटस्पॉट RS 2010 पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया था, तप स्थल यानी हॉटस्पॉट है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट के अंदर जो है तप स्थल और हॉटस्पॉट मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, और विश्व में अगर आपसे पूछ ले, एक बार बता देता हूं कि विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है कितने हैं, 36, ये भी आपको याद रखना, कितने हैं, 36, और भारत में पूछ ले तो 4, भारत के अंदर कितने हैं, 4, ये भी आपको याद, 4 कौन कौन से हैं भारत के अंदर, भारत के अंदर 4 कौन कौन से हैं, एक है हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय है, एक है इंडो इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, एक है पश्चिमी घाट और एक है सुंडा लैंड, ये 4 जो है हॉटस्पॉट है भारत के, विश्व में कितने हैं, 36 है, ये भी आपको याद। अगला देखिए, संकट ग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, संकट ग्रस्त पादप होते हैं उनको किस
पुस्तक में डाला जाता है तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका में यानी रेड डाटा पुस्तक के अंदर डाला जाता है। ये भी आप इस रेड डाटा पुस्तक की बात करें, रेड डाटा बुक की बात करें, 1964 में, ठीक है, इसने अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने एक राज्य देश की सीमा के भीतर पशु पादप व कवकों की प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट हेतु जो है रेड डाटा यानी लाल आंकड़े की पुस्तिका शुरू की। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे विलुप्त, ठीक है, एक वन विलुप्त, घोर संकट ग्रस्त, संकट ग्रस्त, असुरक्षित, जैसे संकट निकट, संकट युक्त, आंकड़ों का अभाव, अनाकलित, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, इस जो लाल आंकड़ों की पुस्तिका यानी रेड डाटा बुक की, 1948 के अंदर मुख्यालय है इसका इंग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, ये भी आपको याद है। तो इस रेड डाटा पुस्तक का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है, इसकी स्थापना 1948 के अंदर होती है, ये भी आपको याद है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना में नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें दुधवा है, कान्हा है और मानस है, चिल्का नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बता दें कि दुधवा कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, दुधवा जो परियोजना है बाघ संरक्षित ये है यूपी के अंदर, कान्हा की बात करेंगे एमपी में है और मानस कहाँ पे है, असम के अंदर, ये सारी डिटेल आपको याद है, ठीक है। और कुछ जो है 2021 में टाइगर रिजर्व जोड़े गए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर रामगढ़ विश्वधारी, रामगढ़ विश्वधारी ये भी आपको याद रखना है, विश्वधारी ये है कहाँ पे, राजस्थान के बूंदी के अंदर है, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में 2021 में घोषित किया गया, ये भी आपको याद रखना। एक है गुरु लिखते जाना बुक में, गुरु घासीदास, कौन सा, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास उद्यान, ये भी बना है अभी, कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, घासीदास आते ही छत्तीसगढ़ कर देना आपको। एक बना है चिल्का उड़ीसा में एक वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे टाइगर रिजर्व जोड़े गए हैं अभी, मैंने आपको बता दी, इससे पहले दुधवा है, कान्हा है, मानस है और भी है, ठीक है। अगला देखिए, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है, बक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, ये भी आपको याद है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। स्थापना की बात करेंगे तो 1983 के अंदर बक्सा बाघ परियोजना की स्थापना की गई, ठीक है, और 1986 के अंदर, ठीक है, 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई और 1986 के अंदर इसे क्या किया गया, ये टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में प्रारंभ हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये सारी जो है कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। तो टाइगर से संबंधित पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो ये 1973 में स्थापना की गई थी, 18 राज्यों में 51 बाघ परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है इसके तहत, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला है कि विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, विश्व ये है विशाल काय लाल पांडा, ये क्या है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। इस विश्व वन्य जीव कोष की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में होती है, इसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड के अंदर, कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी याद है, इंग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। इसका विश्व वन्य जीव कोष का उद्देश्य है कि वन्य जीव का संरक्षण करना एक तो, तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को घटाना, ठीक है, और इसका प्रतीक हो जाएगा विशाल काय लाल पांडा। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए हम बात करें वन रिपोर्ट 2021 की, वन रिपोर्ट 2021 की हम बात करें तो 2021 की बात करें तो आपको पता है कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले 1987 के अंदर जो है पहला सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था, 1987 के अंदर पहला जो है सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था, और 2021 में कौन सा था, 2021 में इसका 17वां प्रकाशन था, कौन सा था, 17वां प्रकाशन था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आप बताते हैं कि वनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक
एमपी में, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको याद है, ठीक है, अरुणाचल। उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा, और आ जाएगा महाराष्ट्र। ये तो है, किसके अंदर है ये, है इसके अंदर सारे क्षेत्रफल के अंदर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करें मुख्य अगले क्वेश्चन की, हम बात करें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है। आरएस 2003 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अंदर, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उपग्रह सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बाघ वनों से ढका हुआ है, ठीक है, कितना प्रतिशत, 19%, ये आपको याद रखना। अब आपको बात करें हम वर्ष 2019 की, तो 2019 के अंदर 21.67, कितना था, 21.67% था, ये आपको याद रखना, ये नवीनतम आंकड़ा है, ठीक है, 21%, पहले 19 था, अब 2019 की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2019 के अंदर 21.67% जो है रिपोर्ट है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह है, इसका हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा, सिक्किम, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हो सकता है, एक तो भूमंडलीय तापन, एक हो सकता है प्राकृतिक वास का विखंडन, एक हो सकता है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसके आंसर की हम बात करेंगे ए बी और सी। अगला देखिए, कथन ए और कारण आर, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। आर कहता है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, आर ए की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय जो असमानताओं के कारण होते हैं वो होते हैं जैसे ऐतिहासिक कारक है, भौगोलिक कारक है, स्थानीय लाभ है, आर्थिक उपपरिव्यय है, अपर्याप्तता है, योजना तंत्र की विफलता है, ये सारे क्या होते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं के कारण होते हैं। दोनों कथन तो सही है, लेकिन जो है आर है वो ए की व्याख्या सही नहीं कर पा रहा। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, लगभग कितनी ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितने पर, 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, याद रखना है, इनका जो होता है क्राइटेरिया 15 से 30 किलोमीटर होता है, ठीक है, समताप मंडल में, यह भी आपको याद रखना है, किस, समताप मंडल में ओजोन परत, ठीक है, समताप मंडल पर, यह भी आपको पूछा जाता है। अगला देखिए, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम, क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। अगला देखिए, निम्न में से किसे डायनोसोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, डायनोसोर्स का, तो मोन्टाना, किसको, मोन्टाना, जो कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्न में से सही कथन है, आपको बताना है, यह भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है, कैस्पियन सागर खुला सागर है, राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है, ये आपको याद रखना है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और कैस्पियन सागर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है जल निकाय है, ये भी आपको पता है, ये खुला सागर नहीं, ठीक है। अगला देखिए, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, कोरल रीफ व जीवाश्म पट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला है मेमथ, क्या है,
मेमत पूर्वज है किसके? ये है हाथी का, किसका है? हाथी का, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री, क्या है? समुद्री महासागर। सबसे स्थिर क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? कितना प्रतिशत है? 27%। कितना? 27%। लेकिन ये तो है 2001 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2011 की आंकड़ों के अनुसार, तो ये हो जाएगा 31.6, 31.6% जो है अब 2011 में है, ये भी आपको आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है बंगाली, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। देखिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग कितने लोग हैं? 52 करोड़ लोग, कितने? 52 करोड़ लोग हैं, ठीक है। बंगाली की बात करेंगे तो बंगाली बोली जाती है लगभग 9.7 करोड़, ठीक है। उसके बाद मराठी, अब 2011 की बात आ रही है, ठीक है, 2011, लेकिन जब 2007 है, 2011 एक की पूछी थी तो तब बंगाली था, लेकिन अब सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, ठीक है। 52 करोड़ लोग बोलते हैं, बंगाली जो है 9.7 करोड़ बोलते हैं। मराठी की बात करेंगे तो मराठी बोलते हैं 8.3 करोड़, और तेलुगु बोलते हैं 8.1 करोड़। सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, महाराष्ट्र, 2000 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, इसने पूछा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर, यह भी पूछा जाता है। बिहार की हम बात करें 61.80% है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? 2003 में पूछा गया तो आर, ठीक है, आर हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर, ठीक है, कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। भारत में वर्तमान में जो है लिंग अनुपात कितना है? 943, और अगर पूछ ले बाल लिंग अनुपात कितना है? बाल लिंग अनुपात 919 है, कितना है? 919 है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या है, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या है 6.5 बिलियन, कितनी है? 6.5 बिलियन, जिसमें से लगभग चीन की है 140 करोड़, भारत की 138 करोड़, लेकिन अब जो न्यूनतम आंकड़ा है उसमें लगभग 146 करोड़ आई है, ठीक है। तो 2020 के अनुसार, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की 32 करोड़ और इंडोनेशिया की 27 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। अगला देखिए, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा इसमें? 105 नंबर का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन फेस पुटनी है, यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन था, क्या था? दिल्ली ऑप्शन, और इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा आज जो है, तो इसका देखिए, विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह है? कितना प्रतिशत है? 4% है, ठीक है, कितना प्रतिशत है? 4%, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अब 2003 से लेकर 2021 तक 106 क्वेश्चन पूछे गए थे जो है आरएस के प्री एग्जाम के अंदर, भारत व विश्व भूगोल, कौन कौन से? भारत व विश्व भूगोल के मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, भारत के इतिहास की जो भी क्वेश्चन आए हैं हम बात करेंगे लगभग दो पार्टों के अंदर, कितने? दो पार्टों के अंदर इसकी हम बात करेंगे, छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। अभी तक लगभग 1 अक्टूबर को एग्जाम है, तो एक महीना आपके पास बाकी पड़ा है, तो आप एक महीने में अच्छी तरीके से समझ पाओगे इन क्वेश्चनों को पढ़कर कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और वीडियो के लिए बने रहे, ठीक है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही, इन वीडियो को जरूर शेयर करें और डेली जरूर देखें,
ये जरूरी नहीं है कि आपके आरएस के एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम आगे दे लेना, आरएस के एग्जाम छोटे एग्जामों में पक्का पूछा ही पूछा जाता है, उठाकर पूछ दे। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका स्पेशल पार्ट है इंडिया जीके का, वहां पे इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन है तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो तथ्य आपको जो बताया जाता है वो आप कॉपी में नोट करें, क्योंकि आपको यहाँ से ये आंकड़ा मिल रहा है वो सही मिल रहा है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।